तो ये लीजिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। तो आपको ये दिख रहे होंगे दोस्तों कि आज हमने क्या बनाया है। तो ये हमने पिस्ते बनाए हैं और वो भी घर पे बनाए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो कोई भी चीज़ हम घर पे बना सकते हैं आसानी से, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा कि हमने कैसे बनाया और किस चीज़ से हमने ये पिस्ते घर पे बनाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। तो पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे फूड कलर, जो खाने वाला कलर होता है ना, उसी कलर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो ये हरा कलर हमने लिया है क्योंकि हमें हरे पिस्ते बनाने हैं, तो इस वजह से हमने हरा कलर लिया है। तो इसको तो हम गर्म होने देते हैं और यहाँ पे हमने लिए है मूंगफली, जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, उसी से आज हम बनाएंगे ये पिस्ते। तो हमने क्या किया, मूंगफली को थोड़ा सा इसको सेक लिया और सेकने के बाद इसके सारे छिलके हमने हटा दिए, क्योंकि जैसे कच्ची ही रहती है मूंगफली तो उनके छिलके नहीं हटते हैं आसानी से। तो इसको थोड़ा सा हमने सेक लिया है और इसके सारे छिलके हटा के साफ करके हमने रख लिया और इसको बीच में से हमने अलग अलग कर दिया है, ताकि हम जो पानी के अंदर इनको डालेंगे तो इसके अंदर कलर अच्छे से चला जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको ये मूंगफली तैयार करके लेनी है। तो इधर देखिए दोस्तों, पानी अच्छे से उबल गया है। तो अब हम इसके अंदर ये मूंगफली के दाने डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम इसको रखेंगे रात भर, पूरी रात आपको रखना। अगर आप यहाँ पे सुबह बना रहे हो तो शाम तक आप उनको पानी के अंदर ही रहने दीजिएगा, अगर शाम को बना रहे हो तो सुबह तक आपको इसको पानी के अंदर ही रहना है। तो इसको हम ढक के रख देते हैं रात भर, गैस को बंद कर दिया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से कलर इस पर आ गया है ना, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसको मैंने पूरी रात भर छोड़ दिया था पानी के अंदर, इसी पानी के अंदर, और ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना जैसे पिस्ते हैं मार्केट वाले। बस इसी आसान तरीके से हम ये पिस्ते बना के इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे। तो इसको मैंने सारा पानी निकाल दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। और इसको थोड़ा सा हम इसको पंखे की हवा में सुखा लेंगे, ताकि इसका थोड़ा पानी अच्छे से सूख जाए दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको पतला पतला काट लेते हैं दोस्तों, आप जिस भी साइज में इसको काटना चाहो उसी में आप इनको काट सकते हो। और बिल्कुल ये आसान तरीका है दोस्तों यहाँ पे पिस्ते बनाने का। तो यहाँ पे देखिए इतने महंगे हैं पिस्ते, तो हम मार्केट से बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पे ही बना लेते हैं आज ये। तो यहाँ पे हमने मूंगफली के दाने से देखिए कितने सारे हमने पिस्ते बना के तैयार कर लिया है। सिर्फ यहाँ पे मैंने 1 कप पिस्ता लिया था मूंगफली के दाने, और उन्हीं से ये देखिए कितने सारे हमारे पिस्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, देखिए मैंने कितने सारे पिस्ते बना लिए हैं 1 कप मूंगफली के दाने से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से घर पे ही हमारे ढेर सारे पिस्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और पूरा हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।